वेलकम स्टूडेंट्स इन खुशिंदर सर क्लासेस. स्टूडेंट्स लेट अस रीड द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसे लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा. आई हैव टेकन दिस चैप्टर From Hornbill of class 11th student. Let us read the chapter students line to line. Students, in July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I here means the narrator. Students, यहाँ पर I जो है वो narrator है, a 37-year-old businessman. तो वो ये कहता है कि इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी और मेरा बेटा जोनाथन जो 6 साल का था, डॉटर सुजेन 7 साल की, और मैंने सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, मैंने अपनी पानी की जो वर्ल्ड वॉयज जो यात्रा थी वो शुरू की फ्रॉम प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इन इंग्लैंड का जो प्लाईमाउथ है वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, ये एक डुप्लीकेट का मतलब है यहाँ पर जो दोबारा की जा रही थी. द राउंड मतलब चारों ओर, द वर्ल्ड वॉयज संसार की चारों ओर, पूरे संसार की चारों ओर की यात्रा थी ये. वॉयज का मतलब होता है स्टूडेंट पानी के जहाज के द्वारा या पानी के द्वारा जो हम यात्रा करते हैं. तो ये एक डुप्लीकेट यात्रा थी पूरे संसार की जो पानी के द्वारा की जाने वाली थी, यानी कि पानी के जहाज के द्वारा पानी से चलते हुए की जाने वाली थी. मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जिसे 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरा किया था. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और एक लंबे समय तक मैरी एंड आई, मैरी और मैं, यानी कि नरेटर जो है 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, और उसने और उसकी पत्नी ने हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, उन्होंने एक सपना देखा सेलिंग यानी कि नाव चलाने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और एक प्रसिद्ध खोजकर्ता बनने का. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आर लेजर टाइम, यानी कि नरेटर यहाँ पर कहता है कि हमने पिछले जो 16 सालों से जो हमारे पिछले 16 साल जो गुजरे वो हमारे जो आराम करने का समय था, लेकिन वो हमने आराम करने का समय गुजारा ऑनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स. ऑनिंग का मतलब है लर्निंग, सीखने में. सी फेयरिंग होता है समुद्र की यात्रा के दौरान जो कौशलताएँ या जो प्रैक्टिस करनी थी उसको सीखने में, या एक प्रकार से एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, या हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्निक्स जो सीखनी थी उसको सीखने में हमने पिछले 16 साल बिताए इन ब्रिटिश वाटर पर. आर बोट वेव वॉकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेव वॉकर. आर बोट वेव वॉकर, हमारी जो बोट थी वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, ये जो थी वेव वॉकर हमारी वो लगभग 23 मीटर की थी स्टूडेंट यहाँ पर, और 30 टन की भारी ये एक वुडन हॉल्ड ब्यूटी थी, लकड़ी की खोखली लकड़ी की जो सुंदर नाव थी ये. एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे व्यवसायियों के द्वारा बनाया गया था, प्रोफेशनली लोगों के द्वारा बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, और इस पर हमने कई महीने गुजारे इसको बाहर से फिटिंग करने में. एंड टेस्टिंग इट, और इसको हमने चलाकर देखने में. इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जो बुरे से बुरा मौसम हमें मिल सकता था उसमें हमने इसे टेस्ट करके देखा, यानी कि चेक करके देखा क्या ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी. द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर, यानी कि जो लेग मीन्स कदम होता है, पहला जो कदम था हमारा प्लान जो था वो 3 साल का था, जिसमें 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली. इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा पास कर ली थी खुश होकर के. एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे कि हम जो है ये जो हमारी यात्रा थी वो सेल डाउन का मतलब है यात्रा जो करनी थी वेस्ट कोस्ट से, इट मीन्स यानी कि
पश्चिमी जो तट था ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का टू केप टाउन, केप टाउन के लिए ये यात्रा थी। पश्चिमी तट जो अफ्रीका का था उससे केप टाउन तक की ये यात्रा थी और जो उनका पहला कदम था जिसमें 105,000 किलोमीटर की यात्रा उन्हें करनी थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले, इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे थे वेस्ट कोस्ट से शुरू की थी और ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्र्यूमैन। अब हमने क्या किया कि दो क्र्यूमैन को ले लिया, चालक दल को ले लिया, एंड जिसमें अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका के लैरी विजिल थे, स्विस हर्ट सेगलर और दूसरे जो व्यक्ति थे स्विस हर्ट सेगलर, ये दोनों ही क्र्यूमैन थे, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, जिससे कि ये हमारी मदद कर सकते टैकल करने में, यानी कि उस सामना करने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो संसार का सबसे बुरे से बुरा समुद्र पर जो परेशानी आएगी उसको टैकल करने में ये हमारी मदद करते, इसके लिए हमने इनको लिया। द साउथर्न इंडियन ओशियन, जो रफेस्ट सी है उसको कहा गया है, जो दक्षिणी हिंद महासागर को। यहाँ स्टूडेंट्स ऑन आर सेकेंड डे, अब दूसरे दिन आउट ऑफ द केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर आ गए, यानी कि 105,000 की हमने यात्रा कर ली, उसके बाद हम नेक्स्ट डे केप टाउन से जब हम बाहर आए तो वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, अब हमने सामना करना शुरू किया उन स्ट्रॉन्ग तेज हवा की लहरों का। गेल्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर गस्टी वेव्स, यानी कि हवा के तेज झोंके। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कई हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार चलती रहीं वो हवा की जो लहरें थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवा की लहरों ने मुझे परेशान नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, नरेटर कहता है परंतु जो लहरों का साइज था, पानी के अंदर जो लहरें बनी हुई थी उनका साइज जो था वो बहुत ही अलार्मिंग था। अलार्मिंग का मतलब है हमें परेशानी में डालने वाला था। अप टू 15 meters, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 15 meters की थी। एज आई हैज आर मेन मास्ट, जितना कि हमारा नाव के बीच में जो एक पिलर होता है, मेन पिलर जो ऊपर तक लगा हुआ होता है और जिस पर हम पाल बांध लेते हैं, पतवार बांध लेते हैं, तो जो मेन मास्ट था जहाज के ऊपर जो बीच में जो पिलर होता है, जो खंबा था, उसकी बराबर ऊंची थी। यानी कि जहाज की जितनी ऊंचाई थी उतनी ही 15 meters तक की वेव्स जो है वो परेशान कर रही थी नरेटर को। 25th फाउंड अस 2,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, अब हमने 25 दिसंबर को पाया कि हमने 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी कि केप टाउन के पूर्व की तरफ हमने 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, यानी कि बुरे मौसम होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट, हमने ये अद्भुत हॉलीडे जो था हमारा, यानी कि 25 दिसंबर छुट्टी का दिन होता है, बड़ा दिन होता है, तो वो हमने कंप्लीट किया विद अ क्रिसमस ट्री, जिसको 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर जो एक हमारा फेस्टिवल भी है क्रिसमस डे, तो इसको जो है हमने कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ, यानी कि ये दिन हमारा जो गुजरा वो क्रिसमस ट्री के साथ गुजरा। नाउ न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब नए साल वाले दिन 25 दिसंबर के बाद जो न्यू ईयर आने वाला था वो भी उस दिन तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। न्यू ईयर डेज सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब नए साल आने तक भी हमने देखा कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ मौसम में। बट वी रीजन दैट, परंतु हमने तर्क लगाया कि इट हैड टू चेंज सून, कि इसे शीघ्र ही बदल जाना चाहिए, एंड इट डिड चेंज, स्टूडेंट ये बदला फॉर द वर्स, लेकिन ये और भी ज़्यादा पहले से बुरा हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2nd, स्टूडेंट जनवरी 2nd को सुबह होने से पहले द वेव्स वर गिंगनेटिक, वेव्स जो थी वो अलार्मिंगली यानी कि वेरी हाई थी, बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जेव, अब हम जो यात्रा कर रहे थे वो केवल एक छोटी सी तूफानी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे, यानी कि जो पर्दा लगा रहे थे जो हवा को काटने के लिए, वो एक छोटी सी पाल थी। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अब हम 8 mile की यात्रा कर रहे थे, 8 mile की गति से हम यात्रा कर रहे थे, क्योंकि पानी की जो गति नापी जाती है वो नॉट्स में होती है, तो 8 mile की गति से हम यात्रा कर रहे थे।
एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसा कि जहाज जो भी लहर आती थी उसके ऊपर से उठ करके गुजर जाता था. वी कुड सी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जो भी कोई लहर आई जहाज उसके ऊपर उसके टॉप पर चढ़ गया और वहां से वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, वहां से हम देख सकते थे कभी ना समाप्त होने वाला विशाल समुद्र रोलिंग टुवार्ड्स अस, यानी कि हमारी ओर गोल गोल घूमता हुआ आ रहा था. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं का चीखना, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स, और जो स्प्रे था यानी कि लहरें जहाज से टकरा रही थी, हमारी नाव से वेव वॉकर से टकरा रही थी, तो पानी की बौछार जो हमारे कानों तक पड़ रही थी वो बड़ी दर्दनाक थी. टू स्लो द बोट डाउन, अब हमने नाव को अपनी को धीमा करने के लिए स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, अब हमने अपनी जो तूफानी जो पाल लगा रखी थी उसको नीचे उतार लिया. एंड लैस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और अब हमने लैस्ट का मतलब है बांध देना, अ हैवी मूरिंग का मतलब एक भारी मूर की जो रस्सी होती है, नायलॉन की जो रस्सी होती है, इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, जहाज का जो पिछला हिस्सा था उसमें लूप यानी कि एक होल बना हुआ था उससे बांधकर उस रस्सी को हमने हर चीज को बांध दिया. देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, उसके बाद हमने क्या किया कि उस होल में रस्सी को बांधने के बाद हर चीज को डबल बांध दिया, यानी कि दोहरा करके बांध दिया. एंड वेंट थ्रू आर लाइफ, और इसमें से अब हम गुजरे रेफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन, और हमने भी क्या किया कि अपने आप को जहाज के किनारे पर, जैसे हम किसी घर में खड़े होते हैं आगे छजली होती है, तो ऐसे ही नाव के जो कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है वो लाइफ लाइन कहा जाता है, तो उसको उससे हमने अटैच कर लिया अपने आप को, डॉन ऑयल स्किन और अब हमने एंड लाइफ जैकेट, अब हमने अपने बॉडी पर जो है ऑयल लगा लिया पूरी स्किन पर और लाइफ जैकेट पहन ली एंड वेटेड, और अब हम इंतजार करने लगे. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, पहला जो इंडिकेशन यानी कि इशारा ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब कमिंग, आने वाले जो डिजास्टर यानी कि विनाश, आने वाले विनाश का जो इंडिकेशन हमारे पास, पहला इंडिकेशन जो आया केम एट अबाउट 6 PM, यानी कि पहला जो इशारा था एक विनाश का वो हमारे पास लगभग 6 बजे के करीब आया. विद एन ओमनियस साइलेंस, एक अशुभ खामोशी के साथ. द विंड ड्रॉप, हवा रुक गई. एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क, और आकाश शीघ्र ही काला हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रॉर, फिर उसके बाद एक दहाड़ बढ़ने लगी. एंड इनॉर्मस क्लाउड टुवार्ड्स एफ्ट, टॉवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, और अब हमने देखा कि एक विशाल बादल, टॉवर्ड का मतलब है टॉवर की तरह, टॉवर का मतलब एक खंबे की तरह, एफ्ट यानी कि जहाज के पिछले हिस्से, ऑफ द शिप जहाज का जो पिछला हिस्सा था उसके में उसके पीछे की साइड, एक यानी कि खंबे की तरह एक बड़ा सा बादल जो है छा गया. अब हमने देखा कि एक ग्रोइंग रॉयर जो है, एक दहाड़ गर्जना हमें सुनाई दी और उसके बाद एक विशाल बादल जो है वो एक टॉवर की तरह यानी कि एक खंबे की तरह, पिलर की तरह हमारे जहाज के पिछले हिस्से में आकर के खड़ा हो गया. विद ऑरर, बड़े ही भय के साथ. आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये एक क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अनोदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये एक लहर थी जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी. इट मीन्स पहले ही 15 मीटर देख चुका था, तो यानी कि ये लगभग, इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये लगभग ऐसे यानी कि लंबत रूम में हमें ये परफेक्ट दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट दिखाई दे रही थी. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और लगभग जो पहले लहरें आई थी, आपको पता है कि 15 मीटर की लहर मेन मास्ट तक की आ चुकी है, तो ये यानी कि डबल थी. इट एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, अन्य दूसरी लहरों के मुकाबले ये डबल थी, इट मीन्स 30 मीटर हम कह सकते हैं. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी कि ये एक फ्राइटफुल का मतलब भयानक, टूटी हुई एक चट्टान की तरह थी. द रॉयर इंक्रीज टू अ थंडर एज अ स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. रॉयर इंक्रीज यानी कि जो गर्जना थी वो अब बढ़ गई टू अ थंडर, यानी कि एक गर्जना जो है वो एक प्रकार से एक
विस्फोट में बदल गई एज द स्टर्न मूव्ड, जैसे ही स्टेरिंग को घुमाया, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहरों का सामना करने के लिए, एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि हम इस पर तैर जाएंगे, बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, परंतु एक विशाल धमाका हमारे उस जहाज के ऊपरी हिस्से पर हुआ, शॉक द डेक, शॉक मीन्स हिला देना, द डेक का मतलब होता है जहाज का ऊपरी हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ द शिप, उसमें एक ट्रिमेंडियस विशाल, एक बड़ा सा धमाका हुआ, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, एक यानी कि टॉरेंट का मतलब एक भंवर सा यानी कि लहर, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, पानी की जो लहर थी हरे और सफेद पानी की, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर फूट पड़ी या आ गई, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, और मेरा सर जो है वो व्हील का मतलब स्टेयरिंग से टकरा गया, यानी कि जो जहाज चलाने का जो हैंडल था, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, लेकिन मैं अभी भी ये सचेत था और ये मैं समझ पा रहा था कि मैं अभी भी ओवर बोर्ड यानी कि जहाज के ऊपरी हिस्से पर मैं उड़ रहा था, एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और लहरों में डूब रहा था, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब मैंने अपनी जो मृत्यु थी वो स्वीकार कर ली, एंड एज आई वॉज लूजिंग अनकॉन्सियस, जैसा कि मैं अब बेहोश होता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा चैन महसूस किया, अनएक्सपेक्टेडली अचानक माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, मेरा जो सर था वो किसी कारणवश या कैसे भी करके अचानक पानी से बाहर आ गया, पॉप्ड आउट, बाहर आ जाना, अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर लगभग उलट सी गई थी, एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसका मास्ट मस्तूल जो था वो हॉरिजेंटल यानी कि एक प्रकार से जैसे कि हम वर्टिकल बोलते हैं उस शेप में आ गया, एंड देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, यानी कि जब नाव टेढ़ी हो गई तो उसको एक लहर आई और उसने उसे सीधा कर दिया, माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और मैंने जो अपने आप को जिस रस्सी से बांध रखा था, लाइफ लाइन से बांध रखा था कि भई नाव से हम कहीं इधर उधर ना हो जाएं, तो जैसे ही नाव सीधी हुई तो खिंचाव की वजह से वो मुझसे टाइट कस गई वो रस्सी, आई ग्रैब द गार्ड रेल, और मैंने जो है जो गार्ड रेल लगी हुई थी यानी कि जो रेलिंग या कोई सरिया वगैरह लगा हुआ था जो लाइव जो यहाँ पर नाव का जो कॉर्नर होता है उस पर, तो मैंने उसको पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर टू द वे वॉकर मेन बूम, और मैं तैरता हुआ सीधा हवा के द्वारा मैं सीधा वेव वॉकर का जो मेन बूम था यानी कि जहाज का जो बीच का हिस्सा था उसमें आ गया, सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी, लगातार लहरें मुझे उछालती गई, टोस्ट अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, रैग डॉल का मतलब है किसी कागज या कपड़े से बनी हुई कोई गुड़िया की भांति, जो एक के बाद एक लहर आई और उन्होंने मुझे इस डेक यानी कि जहाज के ऊपरी हिस्से के चारों ओर मुझे उछाल दिया, यानी कि एक लहर आती थी उछाल देती थी एक गुड़िया की तरह डेक पर जहाज के ऊपरी हिस्से पर, फिर दूसरी लहर आती वो जहाज के ऊपरी हिस्से पर इधर से उधर इसे फेंकते रहे, माई लेफ्ट रिब स्क्रैप, यानी कि नरेटर की जो लेफ्ट रिब थी यानी कि जो बाई जो पसलियाँ थी वो टूट गई, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ और टूटे हुए दांत तो से भर गया, एंड समहाउ कैसे भी करके आई फाउंड द व्हील, मैंने कैसे भी करके स्टेयरिंग को पाया, एंड लाइन अप टू स्टर्न, और मैंने सीधा जहाज को चला करके सीधा किया फॉर स्टेयरिंग के द्वारा, उसको मैंने सीधा किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए, एंड हंग ऑन, और मैं इस पर लटका रहा, यानी कि उसने व्हील को किसी भी तरीके से स्टेयरिंग को पकड़ लिया और उसके बाद उसको घुमाया जिससे कि अगली लहर का सामना करने के लिए जहाज को उसने फिर मोड़ा, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी प्रत्येक जगह, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लो, मैं ये महसूस कर सकता था कि जहाज के नीचे पानी भर गया था यानी कि उसका जो बूम वाला जो पार्ट था उसमें पानी भर गया था, बट आई डेयर नॉट टू अबंडन, परंतु मैं यहाँ पर साहस भी नहीं कर पा रहा था अबंडन करने का यानी कि लेफ्ट करने का छोड़ने का द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, व्हील को छोड़ नहीं पा रहा था यानी कि स्टेयरिंग को छोड़ नहीं पा रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि देखूं कहां से पानी आ रहा है, सडनली अचानक द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक जो है
आगे वाला जो हैच का मतलब है, यहाँ पर दरवाजा, पर्दा या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टीशन खुला, वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड, और उसमें से मैरी बाहर आई या प्रकट हुई। एंड वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो चिल्लाई मैरी कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, यानी कि जहाज का जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट चुका था। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और अब हम पानी से घिर गए हैं, यानी कि पानी हमारे चारों ओर भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, यानी कि नरेटर चिल्लाकर बोलता है कि व्हील को पकड़ लो, पहिए को पकड़ लो या स्टेयरिंग को पकड़ लो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसा कि मैंने हैच को किसी भी तरीके से, हैच के लिए मैं लड़खड़ाता हुआ गया। हैच यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, यानी कि हैच का मतलब यहाँ पर्दे से भी होता है। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, अब मैंने देखा कि लैरी और हर जो थे दोनों क्रूमैन, वो पंपिंग कर रहे थे लाइक द मैडमैन, ऐसे लग रहे थे जैसे कि पागल हो गए हो पंपिंग करते करते, यानी कि जो नाव के अंदर जो पानी भर गया था उसको बाहर निकाल निकाल के इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा फेंक रहे थे। एंड ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल, और जो टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी, यानी कि हमारी नाव टूट गई थी और उसकी जो लकड़ियाँ थी वो हंग एट क्रेजी एंगल्स, यानी कि जंबल सिचुएशन में पड़ी थी, वो एक दूसरे में फंसी पड़ी थी, लटकी पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लग्ड इनवार्ड, और जो पूरा का पूरा जहाज की जो साइड वाली जो दीवार थी वो ब्लग्ड इनवार्ड का मतलब है वो टूट करके अंदर की साइड धस गई थी। क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्ट, क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी चार्ट, टिन्स एंड टॉयज, और ये सब खिलौने वगैरह, चार्ट वगैरह, क्रॉकरी और कपड़े जो थे वो स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, उस गहरे पानी में, जब नाव के अंदर जो पानी भर गया था, जहाज के अंदर जो पानी भर गया था उसमें ये लगभग तैर रहे थे, स्लॉश्ड अबाउट कर रहे थे। हाफ स्विम, मैं आधा तैरता हुआ, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगता हुआ, इन टू द चिल्ड्रन केबिन, मैं बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, यानी कि नरेटर यहाँ पर श्यू और जोनाथन को देखने गया, क्या तुम यहाँ सही हो। आई आस्क, मैंने पूछा। यस yes, दोनों ने आंसर दिया, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी कि ऊपर की जो सीट थी जहाँ पर वो सो रहे थे वहाँ से उन्होंने उत्तर दिया। बट माई हैड हार्ट सब बिट, सैड स्यू, स्यू यानी कि सुजैन ने कहा कि परंतु मेरा जो हार्ट है वो हैड जो है वो हार्ट कर रहा है, थोड़ा सा यानी कि सर में दर्द हो रहा है। एंड पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसने अपनी आंखों के ऊपर जो एक बिग बम्प बन गया था, यानी कि एक थोड़ा सा स्वेलिंग जो आ गई थी टकराने की वजह से, चोट लगने की वजह से वहां से सूज गया था, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, तो नरेटर कहता है कि मेरे पास इसके चिंता करने के लिए समय नहीं है कि मैं तुम्हारे बम्प्ड हेड की चिंता करूं। एंड आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, अब यानी कि जब नरेटर कहता है कि एक हैमर मिलने के बाद, स्क्रू पेच मिलने के बाद, कैनवस और एक त्रिपाल मिलने के बाद, पर्दा मिलने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ डेक पर वापस गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बस्ट ओपन, क्योंकि जो स्टारबोर्ड साइड था वो लगभग बिल्कुल खुल चुका था, यानी कि जो जहाज की जो बाहर की दीवार थी वो अंदर धस चुकी थी। एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जैसी प्रत्येक लहर आती तो हमारे जहाज में और भी अधिक पानी आता जा रहा था। एंड इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया, इसकी मरम्मत नहीं की, तो वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित तौर पर डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, मैंने कैसे भी करके इस त्रिपाल को खोल दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, और जहाँ जहाँ गैपिंग होल थे, यानी कि जहाँ जहाँ गैप बन गया था और वहाँ होल हो गए थे, जब पानी आ रहा था उसके उसको मैंने, यानी कि वाटरप्रूफ जो जिसका पानी पर कोई असर ना हो, और हैच कवर यानी कि जो त्रिपाल थी वाटरप्रूफ, उसको मैंने जो गैपिंग होल थे उन पर मैंने लगा दिया, और सिक्योर यानी कि सुरक्षित करने के लिए, जिससे कि वहां से पानी ना आए। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, लेकिन अभी भी कुछ पानी लगातार नीचे की साइड से बहकर आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु ज़्यादातर जो पानी आ रहा था वो जहाँ से स्टारबोर्ड यानी कि जहाज की जो बाहर की जो दीवार जो जहाँ से टूट करके अंदर धस गई थी, वहाँ से पानी लहरों के साथ आ रहा था। माई प्रॉब्लम्स एरोज, मेरी परेशानी जब बढ़ी। वेन आर हैड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारे हैड पम्प ने स्टार्ट कर दिया ब्लॉकअप करना, ब्लॉकअप यानी कि एक प्रकार से
जो हमने वहां पर जो टॉयज थे और चार्ट थे वो सब वहां डेवरी वगैरह जो कूड़ा करकट वहां पर पानी में तैर रहा था, तो उनकी वजह से वो चौक हो गया जो हमारा जो हैंडपम्प था, विद द डेवरीज फ्लोटिंग अराउंड द केविन्स, जो केविन के चारों ओर जो कूड़ा करकट तैर रहा था उसकी वजह से पंप चौक हो गया। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो भी शॉर्ट सर्किट की, क्योंकि पानी आने की वजह से करंट में पानी लगने की वजह से वो क्या है शॉर्ट सर्किट हो गया था। एंड द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का स्तर अब बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ता रहा। बैक ऑन डेक, और जब मैं वापस जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आर टू स्पेयर हैडपम्प्स हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड, मैंने पाया कि हमारे जो दो अतिरिक्त जो हमने हैडपम्प रखे थे हैड बीन व्रेंच्ड ओवरबोर्ड, यानी कि वो ओवरबोर्ड पर व्रेंच्ड बेकार व्यर्थ में ही पड़े हुए थे। एंड अलोंग विद द फ्रॉस्टेड सेल, जिनके साथ एक फ्रॉस्टेड सेल पड़ी हुई थी, यानी कि पाल पड़ी हुई थी, जिब पड़ी हुई थी, एंड द डिंगीज, और वहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य लंगर था, जैसे कि जहाज को, जैसे कि किसी गाय या भैंस को किसी खूंटे से बांधते हैं, तो ऐसे ही लंगर बांध करके नाव कहीं इधर से उधर ना खिसके कॉर्नर से बांध देते हैं, वो लंगर पड़ा हुआ था। एंड देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनोदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, और तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी था, जो बिजली से चलने वाला एक पंप भी था, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, अंदर चार्ट रूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। आई कनेक्टेड इट, मैंने इसे कनेक्ट किया टू एन आउट पाइप, बाहर वाले आउट पाइप से, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं बड़ा धन्यवाद करने लगा गॉड का कि इसने जो है काम करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, अब रात जो थी वो ड्रैग्ड ऑन चली जा रही थी, ऐसे लग रहा था विद एन एंडलेस का मतलब कभी ना समाप्त होने वाली रात थी, रात जो है वो बढ़ती जा रही थी और ऐसे लग रहा था कभी समाप्त होगी नहीं। बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा अधिक ठंड थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, लगातार पंपिंग करने के बाद, जो कि उस ठंडी रात में स्टेयरिंग और जहाज चलाने के बाद, एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो पर काम करने के बाद, ऐसे लग रहा था कि रात जो है कभी समाप्त होगी ही नहीं और लंबी खिंचती जा रही थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मिडे कॉल्स, और अब हमें यहाँ पर कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा था हमारी अंतर्राष्ट्रीय कॉल का, जो हम बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि जहाज से जाते हैं तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल से कनेक्ट होना होता है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, तो विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरान नहीं कर रही थी इस दूर दराज के इलाके में, संसार के रिमोट कॉर्नर, दूर दराज के इलाके में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था ऐसी जगह पर इंटरनेशनल कॉल रिसीव नहीं हो रही थी तो ऐसा पॉसिबल था। सीयूज हैड हैड स्वेलन अलार्मिंगली, सीयू का जो हैड था, सर जो था, वो स्वेलन का मतलब सूज गया था, अलार्मिंगली का मतलब है बहुत बुरी तरह से। एंड सी हैड टू इनोरमस ब्लैक आइज, और उसकी जो दो बड़ी बड़ी विशाल काली आंखें थी वो भी सूज चुकी थी। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने हमें दिखाया कि एक गहरा घाव उसकी बाजू पर था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, जब मैंने पूछा कि why, क्यों, she had not made more of her injuries, क्यों उसने हमें इन और अधिक इंजरीज को before this, इससे पहले क्यों नहीं दिखाया, she replied, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, you and when you were trying to save us all, जबकि तुम हमें बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो यहाँ पर उसने एक बहुत साहस का प्रदर्शन किया है सीयू ने, कि जब डैडी तुम, आप नरेटर को कहती है कि जब डैडी तुम हमें बचाने का प्रयत्न कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें परेशान क्यों करूं। एंड बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा स्टूडेंट, 3rd and 4th Jan, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑलवेज इन एग्जाम। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd को सुबह, यानी कि 3 जनवरी को सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंट अंडर कंट्रोल फॉर अस, यानी कि अब जो पंप था इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा, जब हम पंपिंग कर रहे थे, नाव से पानी बाहर फेंक रहे थे, तो पंप
के द्वारा पंपिंग करने के बाद वाटर लेवल जो था वो उचित हो गया और अंडर कंट्रोल था फॉर अस, हमारे लिए टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। और अब हम इस योग्य थे कि अब हम रोटेशन से एक के बाद एक करके दो दो घंटे हम आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रमेंडियस लीक, परंतु अभी भी एक विशाल जो लीक यानी कि कहीं से होल रह गया था, एक बड़ा सा होल था समवेयर कहीं पर बिलो द वाटर लाइन, हो सकता है कि वो समवेयर कहीं पर नीचे जो जहाज़ का जो वाटर लाइन थी यानी कि जो सतह थी उसमें कहीं से एक लीक हो गया था। एंड ऑन चेकिंग और खोज करने पर आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट नियरली ऑल द बोट्स की लगभग जो सभी बोट्स की जो मेन रिब्स फ्रेम्स थे वर स्मैश डाउन टू द किल, किल यानी कि जो मुख्य भाग था उससे टूट करके अलग हो गई थी, जहाज़ के जो मेन लकड़ियाँ जिन लकड़ियों का जो ढांचा था फ्रेम था वो टूट गया था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग हाइडिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो पकड़ के रखता अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, जहाज का जो बाहरी जो दीवार थी हिस्सा जो था उस भाग को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो जोड़ के रख पाती उस नाव से। हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय वहाँ पर कुछ जो अलमीरा का जो पार्टीशन होता है, अलमीरा की जो दीवार थी, अलमीरा जिनसे जुड़ी हुई थी, केवल वही भाग था जिसने स्टारबोर्ड साइड को जोड़ रखा था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, अब हम 15 सही सलामत रहे सिंस द वेव हिट, जब से हमें लहरें टकरा रही थी 15 घंटे तक हम सब सुरक्षित थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रिया, परंतु अब जो वेव वॉकर थी वो इस योग्य नहीं थी कि वो हमें ले जा पाती ऑस्ट्रिया स्टूडेंट्स एक साथ। आई checked our charts, अब हमने अपना चार्ट चेक किया एंड कैलकुलेटेड दैट, और ये कैलकुलेशन निकाली कि दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, अब यानी कि पूर्व की तरफ दो छोटे छोटे आइलैंड कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर यानी कि 100 किलोमीटर के समथिंग कुछ दूरी पर ईस्ट की तरफ। कैलकुलेशन जब निकाली और चार्ट को चेक किया तो नरेटर कहता है कि मैंने पाया कि वहाँ पूर्व की ओर दो छोटे छोटे आइलैंड होने चाहिए। वन ऑफ देम, उनमें से एक इले एम्स्टरडम है एंड वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रांस का जो साइंटिफिक बेस समझा जाता है यानी कि ज्ञान का आधार समझा जाता है। आर ओनली यह खोज कर जाता है, आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन पिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारी केवल आशा इतनी थी कि हम वहाँ पहुँच जाएँ। दीज पिन पिक्स इन द वास्ट ओशियन यानी कि ये इले एम्स्टरडम और एक दूसरा जो आइलैंड है उनको ये कहा गया है कि ये पिन पिक्स के बराबर था। पिन पिक्स स्टूडेंट एक सुई की नोक के बराबर जितना हिस्सा होता है, ऐसे ही इन द वास्ट ओशियन इस विशाल समुद्र में पिन पिक्स की तरह थे, यानी कि इस विशाल समुद्र के जैसे कि सुई का एक नोक का भाग होता है उतने पार्ट के बराबर ये जो है मतलब बड़े थे ये इले एम्स्टरडम जो जो हमारे पास आइलैंड थे और एक जो दूसरा आइलैंड था। आर ओनली होप वाज टू रीच, हमारी केवल आशा थी कि हम इन पर पहुंच जाएं, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन इस यानी कि विशाल समुद्र के सुई की नोक के बराबर के जो आइलैंड थे उन पर पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो, परंतु यहाँ पर हवा और जो समुद्र है सो वी कुड हॉइस्ट सेल, अवेटेड का मतलब है इतना हमें उन्होंने गरिमत की कि हम जो है अपनी पाल को खोल सकते थे। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हमारे बचने के चांस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर एक्सिलरी इंजन ऑफ एक्शन, एक बड़ी सी लहर ने आकर के हमारा जो अतिरिक्त इंजन जो अब हमने जोड़ा था उसको भी खराब कर दिया, आउट ऑफ एक्शन कर दिया। ऑन January 4th, स्टूडेंट एज आई हैव टॉट यू बिफोर 3rd and 4th Jan, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम 4th January की बात करते हैं। तो आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 January को लगातार 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब हमारी नाव में केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था, हम उस लेवल तक पहुँच गए। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल उस पानी से लड़ना था जो अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast. अब लेकिन हम अपने मस्तूल पर भी एक मुख्य जो मेन मास्ट पर मुख्य मस्तूल पर अपनी
हो सकते थे, जो हवा को रोका जा सके, काटा जा सके डायरेक्शन में जाने के लिए, जो हम लगाते हैं उस पर्दे को, यानी कि उसे भी हम नहीं सेट कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, क्योंकि प्रेशर जो था वो दबाव जो है उस रस्सी का, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, जो पहले से ही खुल चुका था, डैमेज हो चुका था वो भाग, उसको उखाड़ सकता था, क्योंकि जो हवा का जो तेज दबाव होगा वो उसे खराब कर सकता था और ज़्यादा तोड़ सकता था। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जेव, इसलिए हमने केवल एक तूफान वाली पाल ही, छोटी पाल जिसको कहते हैं, वो हमने उस पर लगाई। एंड हैड इट फॉर वेयर, और अब हम उस ओर बढ़े, वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, जहाँ पर नरेटर ने सोचा था कि दो आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, अब मैरी को कुछ मांस के पके हुए कुछ भोजन मिला। एंड क्रैकर बिस्किट, और कुछ करारे बिस्किट मिले। एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज, और लगभग अब हमने पिछले दो दिनों में ये पहली बार भोजन किया, खाना खाया। जब मैरी को जब ये चीज़ें मिली तो तब उन्होंने पहली बार दो दिन में एक बार भोजन खाया लगभग। एंड बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्टली, परंतु हमारा जो आराम था वो केवल थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM, 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, यानी कि काले बादल फिर दोबारा से छाने शुरू हो गए हमारे पीछे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, यानी कि अब कुछ ही घंटों में जो हवा थी वो वापस 40 मील की गति से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र था ऊंचा और अधिक ऊंचा उठने लगा, यानी कि लहरें और अधिक ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरेट थ्रू आउट द नाइट, जो मौसम था लगातार डेटोरेट का मतलब खराब होता गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर के दौरान। एंड बाय डॉन, और सुबह के समय ऑन January 5th, यानी कि January 5th को, आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी वो फिर दोबारा निराशाजनक हो गई। वेन आई वॉट द चिल्ड्रन, लेकिन जब मैं बच्चों को आराम या दिलासा देना, तो जॉन ने कहा, डैडी क्या हम, जॉन ने पूछा कि क्या डैडी अब हम मरने जा रहे हैं। जब नरेटर बच्चों के कमरे में गया तो वहाँ पर जोनाथन ने पूछा अपने डैडी से, नरेटर से, कि क्या अब हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, लेकिन मैंने उसे पूरा विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे और हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, परंतु लगातार वो कहता रहा कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, परंतु हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, ये किसने कही, जोनाथन ने कही, यानी कि उसके बेटे ने कही, जैसा कि टाइटल जो चैप्टर का लिया गया है वो इसी लाइन से लिया गया है, यू एंड मम्मी शिव एंड आई, तुम मम्मी और शिव और मैं अगर एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुडंट फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, लेकिन मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं थे कि जिसका मैं प्रश्न का उत्तर दे पाता, नरेटर कहता है। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केविन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केविन, परंतु मैंने अब बच्चों का कमरा छोड़ दिया, डिटरमाइंड इस दृढ़ निश्चय के साथ, टू फाइट द सी, उस समुद्र से लड़ने के लिए, विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी कुछ चीज़ मेरे पास था, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, अब मैंने स्टारबोर्ड साइड जो कमज़ोर हो चुका था, यानी कि जो जहाज़ का जो बाहरी दीवार थी जो अंदर की साइड धस गई थी, उसको कमज़ोर होने से बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने अब निश्चय किया कि आगे बढ़ने के लिए। एंड विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, और अब हमने आने वाली लहरों का सामना करने के लिए जो डैमेज पार्ट था उसको मैंने निश्चय किया कि उस जो अनडैमेज पार्ट है उससे बांधने का, यूजिंग एंड इम्पॉवरिश सी एंकर, अब मैंने इसके लिए प्रयोग किया जो समुद्र के में जो हमने डालने के लिए लंगर डालने के लिए एक भारी नायलॉन थी, उससे मैंने इसको बांध दिया। एंड 22 liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, इट मीन्स केरोसिन के जो बैरल थे, यानी कि प्लास्टिक के जो ड्रम थे, ढोल थे, उन सब से मैंने इसको मतलब डबल बांध दिया, एक तो उस बैरल से पैराफिन के, और एक जो नायलॉन की रस्सी थी जो एंकर थी, यानी कि हमारे लिए एक लंगर थी, इन दोनों का मैंने प्रयोग करके, यानी कि उस रस्सी से बांध करके मैंने उसको ड्रम से बांध दिया, प्लास्टिक के ड्रम से उस जो खुला हुआ भाग था। एंड दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर, उस रात मैरी और मैं सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे।
एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, जैसा कि जहाज की गति जैसे जैसे तेज हो रही थी तो और अधिक पानी अंदर आता जा रहा था। वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी कि उन टूटे हुए पल्लों से, टूटे हुए से लकड़ियों के अंदर से, या जो होल थे या जो जहां से टूट गया था, तो वहां से पानी और अधिक अंदर आता जा रहा था। प्लैंक होता है लकड़ी के टूटे हुए तख्तों से। एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वाज नियर, अब हम दोनों ने महसूस किया कि अंतिम समय नजदीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, परंतु वेव वॉकर जो थी वो तूफान में भी चल रही थी। एंड बाय द इवनिंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी को सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, हवा भी जो है वो कम हो गई, आई ट्राइड टू गेट आ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, अब मैंने प्रयत्न किया, नरेटर कहता है कि मैंने पढ़ने का प्रयास किया सेक्सटेंट को, यानी कि जो हमारी कंपास थी जो हमें दिशा के बारे में बताती। बैक इन द चार्ट रूम, अब मैं वापस चार्ट रूम में गया। एंड आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, और मैंने अब जहाज की जो हवा की जो गति थी उस पर भी काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स की क्या बदलाव होता जा रहा था, ड्रिफ्टिंग चलने की गति पर भी मैंने काम किया, करंट इन एन एफर्ट्स, और जो पानी की जो लहरें थी उन पर भी, करंट यानी कि वहां पर बहाव कितना था, इन एन एफर्ट्स टू कैलकुलेट, एक प्रयास करके कि टू कैलकुलेट आर पोजीशन, कि हमारी पोजीशन कहां पर है, इसके लिए मैंने काम किया। उस पोजीशन को पता लगाने के लिए मैंने इन सब चीज़ों पर काम किया कि भाई जो है हवा की गति कितनी है और पानी का बहाव कितना है, नाव कितनी उससे चल रही है गति से, तो इन सब पर मैंने काम करने के बाद अपनी स्थिति पता लगाने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे से अच्छा मैं जो दृढ़ निश्चय कर सकता था वो ये था कि दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, कि अब हम कहीं पर 150,000 किलोमीटर जो महासागर था उसमें कहीं पर थे, यानी कि 150,000 किलोमीटर दूर थे उस महासागर में, लुकिंग फॉर, और हम उसमें ढूंढ रहे थे आ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, एक 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड, यानी कि जो इले एम्स्टरडम है स्टूडेंट उसके बारे में कहा गया है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली, शिव जो है चलती हुई कराती हुई वो आई ज्वाइन मी, और वो भी मेरे पास बैठ गई, या वो भी हम मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसका जो लेफ्ट साइड था सर का, वाज नाउ वेरी स्वेलन, बहुत ज़्यादा अधिक सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोइंग नैरोड टू स्लिट, और उसकी जो काली आंखें थी वो मोटी मोटी होकर के बिल्कुल स्लिट हो गई थी। स्लिट का मतलब है जब दिखना बिल्कुल बंद हो जाए, सूज करके आंखें बिल्कुल बंद हो जाएं, ऐसी हो गई थी। एंड सी गेव मी अ कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने खुद ने बनाया था। ऑन द फ्रंट कार्ड के आगे की साइड, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, उसने जो है डिज़ाइन किए हुए थे कैरिकेचर, यानी कि कार्टून बनाए हुए थे ऑफ मैरी एंड मी, मैरी और मेरा, विद द वर्ड्स, और कुछ शब्द लिखे हुए थे उस कार्ड पर। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ हंसी मजाक वाले लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, अब यानी कि क्या उन्होंने, यानी कि उसने जो अपने उस पर कार्ड पर लिखा हुआ था, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, अब यानी कि जो शिव है उसने कहा है अपने कार्ड के थ्रू हम लोगों से कि क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज अ मैसेज, वहाँ पर एक इस कार्ड के अंदर मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं कितना अधिक प्यार करती हूँ तुम दोनों को। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड जो था वो एक प्रकार से नरेटर का धन्यवाद करने के लिए था, और फादर और मदर यानी कि बोथ का शिव के लिए, यानी कि शिव जो है वो धन्यवाद करना चाहती थी, और इसलिए उसने इस कार्ड को बनाया। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम अच्छे की आशा करें। सम हाउ कैसे भी करके वी हैड टू मेक इट, हमें कैसे भी करके इससे लड़ना होगा। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैंने अब चेक किया फिर रीचेक किया अपनी गणनाओं को कैलकुलेशंस को। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास, लेकिन अब हमारा जो कंपास था मेन कंपास जो था वो खो चुका था, खोने का मतलब है यहाँ पर आउट ऑफ एक्शन हो चुका था, यानी कि खराब हो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर,
मैं अब अतिरिक्त जो कंपास था उसका प्रयोग कर रहा था, इसके अलावा जो दूसरा कंपास था उसका प्रयोग कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो बिल्कुल भी चुंबकीय वेरिएशन के, चुंबकीय जो प्रभाव होता है उसकी दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं था, यानी कि ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकता था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैंने इसे कार्य करने दिया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, और अब जो मैंने दूसरा अनुमान लगाया प्रभाव का वेस्टर्ली करंट का, यानी कि जो हमारे पास पश्चिमी जो हवाएं चल रही थी उनका प्रभाव कितना था, इसके बारे में मैंने अनुमान लगाया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो इस हिंद महासागर के इस भाग पर प्रभाव पड़ रहा था, या जो लहरें जो बहाव था उसके बारे में मैंने, उस बहाव के प्रभाव के बारे में मैंने अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM लगभग 2 बजे रात को आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज के ऊपरी हिस्से पर वापस ऊपर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टेर अ कोर्स 185 डिग्री, और अब मैंने लैरी को स्टेरिंग घुमाने के लिए 185 डिग्री पर कहा। एंड इफ वी वर लक्की, यदि हम खुश किस्मत वाले हुए, तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया विद अ कन्विक्शन, एक उसे राय से, आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने ऐसा फील नहीं किया था, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, लेकिन यहाँ पर नरेटर वो ये कहता है कि मुझे आशा है देखने की द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि हम लगभग आइलैंड पर, यानी कि ले एम्स्टरडम पर 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। स्टूडेंट देन विद अ हैवी हार्ट, तब बड़े भारी हृदय के साथ आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया। एंड क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, और नीचे जाकर के मैं अपने सोने वाली सीट पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और बड़े आश्चर्य की बात थी, डोज्ड ऑफ, कि मुझे वहाँ पर नींद आ गई। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, लेकिन जब मैं उठा तो लगभग 6 बज चुके थे शाम के। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो चुका था, अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू, मैं जानता था कि वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, अब मैं ये जानता था कि हमने अपना आइलैंड जो है मिस कर दिया है, यानी कि हमें वहाँ 5 बजे पहुँचना था, मेरा अनुमान था 5 बजे वो मिलेगा, लेकिन अब तो 6 बज चुके थे। तो अब नरेटर सोचता है कि ये तो आइलैंड उससे मिस हो गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अब हमें जो हमारे पास सेल थी, पतवार थी, उसी के साथ से पाल जो थी उसी के साथ वी हैड लेफ्ट, जिसे हम छोड़ चुके थे। एंड वी कुड नॉट होप, अब हमें आशा भी नहीं थी, टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, इन पश्चिमी हवाओं को हम बीट करते हुए वापस, हम यानी कि उसे जो है 1 घंटे बैक हम पीछे चले जाएं। तो अब उसने ऐसा सोचा, एट दैट मोमेंट, इस क्षण पर आ टाउसल्ड हेड, टाउसल्ड हेड का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो सर था अपीयर्ड बाय माई बंक, जब मैंने सोने वाली ऊपर वाली बर्थ से सीट से देखा जहाँ पर मैं सो रहा था, नरेटर कहता है, मैंने एक, मुझे एक सर दिखाई दिया। एंड कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क, तो वो जो सर था, यानी कि वो जोनाथन था, जोनाथन के बारे में कहा गया है, तो जोनाथन ने कहा कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। एंड सी वॉज राइट बिहाइंड, सी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सी जो थी बिल्कुल पीछे थी सीधी साइड में। एंड वाई एम आई गेटिंग हग नाउ, मैं तुम्हें, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क, मैंने पूछा, नरेटर ने पूछा, यानी कि मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम संसार के सबसे अच्छे डैडी हो इस संसार में। एंड द बेस्ट कैप्टन, और तुम बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रेप्लाइड, यानी कि मेरे बेटे जोनाथन ने मुझे उत्तर दिया कि मैं जो हूँ सबसे बेस्ट डैडी हूँ इस सारे संसार का, और बेस्ट कैप्टन हूँ। एंड नॉट टुडे जॉन आई एम एफ्रेड, नहीं जॉन आज मुझे ये मत कहो, मैं, मुझे बड़ा डर है। वाई यू मस्ट बी, तो जॉन कहता है, सेड स्यू, स्यू कहती है, इन फैक्ट ऑफ वॉइस, मैटर ऑफ वॉइस, उसी क्षण पर, जैसा कि हमें जो भी याद आएगा उस समय पर, जैसी वो जानती थी, स्यू कहती है कि क्यों तुम्हें डरना चाहिए। एंड यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें तो आइलैंड मिल गया है। व्हाट आई शाउटेड, अब नरेटर चिल्लाया, क्या मुझे आइलैंड मिल गया। एंड इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चौरस्ट, यानी कि स्यू जोनाथन ने, दोनों ने एक साथ मिलकर के कहा कि देखो ये सामने, एज बिग एज बैटल शिप, ये एक युद्ध पोत की तरह है। आई रस्ट ऑन बैक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टरडम। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़ता हुआ जहाज के ऊपरी हिस्से पर आया। एंड गेज देखा विद रिलीफ, बड़े चैन के साथ, एट द स्टार्क आउटलाइन, उस सीमाओं को ऑफ द इले एम्स्टरडम, इले एम्स्टरडम की जो पेरीफेरी एरिया था, यानी कि सीमावर्ती लगता जो क्षेत्र था या किनारा जो था, उसको मैंने देखा।
इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये केवल एक काला सा टुकड़ा था जो कि एक ज्वालामुखी चट्टान का, एंड विद द लिटिल वेगिटेशन, यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति थी जहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों सर्वाइव कर सकें, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। स्टूडेंट ये 65 किलोमीटर वाइड था, आपको पहले ये मेंशन हो चुका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इले एम्स्टर्डम। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, अब स्टूडेंट नरेटर कहता है कि अब हमने ये वहाँ पर जो समुद्र का जो किनारा था उससे थोड़ा दूर हटके हमने वहीं पर अपना लंगर डाला, यानी कि टेंट पिच वगैरह लगा लिया, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल द 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उस यानी कि आइलैंड पर ले एम्स्टर्डम पर 28 नागरिक रहते थे, और वो सुबह जो है चीड एस, वो बहुत खुश थे, एज दे हेल्प अस अशोर, यानी कि हमारी मदद करके किनारे पर हमें पा करके और हमारी मदद करके वो बहुत खुश थे, उन्होंने खुशी से हमारी मदद की, एंड विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और अब फिर दोबारा से भूमि मेरे पैरों के नीचे थी, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे जो विचार थे अब भरे हुए थे लैरी और हर्वी जो दोनों क्रू मैन थे उनसे, चीयरफुल जो हमेशा खुश मुझे नजर आए यात्रा के दौरान, ऑप्टिमिस्टिक और बड़े आशावादी थे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने अधिक तनाव होने के बावजूद भी, एंड द मैरी एंड ऑफ मैरी, और मुझे अब मैरी के बारे में विचारों में मैं खोया हुआ था, एंड हु स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर्स, यानी कि जो कि हमें लटकी रही थी उस व्हील पर स्टेयरिंग पर उन घंटों के दौरान जो बहुत क्रूशियल समय था, मोस्ट ऑफ ऑल उन सभी के बारे में मैं विचारों में खोया था, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old girl, सबसे ज़्यादा जो मुझे विचार याद आए वो उस 7 साल की लड़की के बारे में याद आया, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं करना चाहती थी अबाउट अ हेड इंजरी, यानी कि अपने सर की चोट के बारे में, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations, जिसके यानी कि 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन किए गए थे टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट, यानी कि जो खून का जो गत्था जम गया था उसको रिकवर करने के लिए निकालने के लिए बिटवीन स्किन एंड स्किल, यानी कि हमारी जो स्किन थी हमारी जो खाल थी एंड स्कल का मतलब है गर्त या खोपड़ी थी उसके दोनों के बीच में जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, जो खून जम गया था गत्थे बन गया था उसको निकालने के लिए उसके सर के 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़े थे, लेकिन उसके बारे में फिर भी वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, एंड ऑफ अ 6-year-old boy, और मुझे फिर याद आया मुझे उन विचारों में मैं खो गया जो 6 साल का लड़का था, बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, इफ यू हैव लर्नड इट वेरी वेल स्टूडेंट काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल खुशेंदर सर क्लासेज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।